अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंजीनियर दिल जफर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने जो हमारा वीडियो कैप्शन है वो देख लिया होगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक के मुतालिक बताना है। कुछ सोसाइटीज़ में ये जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ये हमने अभी फ्रंट पे बनाया। ये इस वक्त मैं ड्रीम गार्डन्स नियर रेवन रोड लाहौर पे हूँ। तो ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो है, ये मैंने फ्रंट पे इस सोसाइटी में जो बायलाज के अकॉर्डिंगली है वो फ्रंट पे बनना है ना। यहाँ पे आपको ऊपर लॉन भी आ जाएगा, ये इस एरिया में आपका ना लॉन आ जाएगा। लेकिन अभी करंटली इस जगह पे हमने लॉन नहीं बनाना, हम यहाँ पे अपना जो है ना रनिंग एरिया पहले चलने का जो है ना वो रास्ता हमने बनाना है। अब जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो आपका बैक साइड पर भी बन सकता है। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप सोसाइटी के बायलाज को चेक कर लें कि वो क्या कहते हैं ना कि आपने फ्रंट पे बनाना है कि बैक पे बनाना है, और ये बनाना क्यों ज़रूरी है और ये बायलाज के अंदर क्यों शामिल हो गया। आज इसकी मुतल्लिक और इसकी इंपॉर्टेंस के मुतल्लिक जो है ना वो आज हमने डिस्कशन करनी है। ये देखें, ये आपको जो है ना ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक इस टाइम बना हुआ नज़र आ रहा है। ये तकरीबन आप कह लें कि 80% जो है ये बन चुका है। इसमें 4 इंच थिक कंक्रीट है और 4 इंच थिक ब्रिक वर्क है। यानी हमने एक्सकेवेशन करके इसके चारों तरफ जो है ना वो 4 इंच का ब्रिक वर्क हमने कर दिया था, ठीक है। इसकी लेंथ और विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए वो आपकी ड्राइंग में मेंशन्ड होती है, ठीक है। और आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर इसका प्रॉपर स्टील डिज़ाइन करके आपको देगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आपने खड्डा खोदा और उसमें आपने ईंटें लगा के उसको बना दिया, ऐसा नहीं होता। इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर इंजीनियर ड्राइंग्स बनती हैं, प्रॉपर स्टील की ड्राइंग्स बनती हैं। और आपने कोशिश ये करनी है, कोशिश क्या बल्कि 100% जो है ना वो आपने इसको RCC का जो है ना वो बनाना है, ठीक है। इसके जो बाउंड्री अगर आप देख रहे हैं, तो हमने एक्सकेवेशन कराई थी इस जगह की और इसके चारों तरफ हमने जो है ना ब्रिक वर्क कर दिया था। ब्रिक वर्क करके बाद में हमने इस तरफ शटरिंग लगा के अंदर, मतलब सरिया बांध के इस तरफ शटरिंग लगा के इसकी कंक्रीट पोरिंग कर दी थी, ठीक है। तो ये तकरीबन 4 इंच का RCC जिसको पर्दा कहते हैं या RCC कंक्रीट वर्क हो गया था और 4 इंच का आपका ब्रिक वर्क था। तो टोटल थिकनेस तकरीबन इसकी ना क्या कहते हैं आपकी 9 इंचेस जो थी ना वो बन गई थी। कुछ जगहों पे हम इस तरह भी करते हैं कि 4 इंच का ब्रिक वर्क होता है और 9 इंच की जो है ना वो आपकी कह लें कि वो होती है RCC होता है। लेकिन यहाँ पे हमने 4 इंच का RCC और 4 इंच का ब्रिक वर्क रखे और इसकी जो लेंथ और डायमेंशन है वो एज़ पर हमने ड्राइंग बनाई है, इसका प्रॉपर जो है ना डिज़ाइन हुआ था। अब इस तरफ आते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसकी अफादियत क्या है और ये घरों में क्यों बनाया जाता है और अब ये हर जगह पर क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। इसके दो से तीन फ़ायदे हैं जो मैं आपको टेक्निकली बताता चलूँ। पहली चीज़ तो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो सोसाइटी का प्रेशर है जो आपके पानी का आता है वो कम होता रहेगा ना, और पानी का प्रेशर इतना नहीं रहेगा आने वाले 10 से 15 सालों में कि आपके फर्स्ट फ्लोर और ऊपर के फ्लोर्स में पानी पहुंच सके। तो होगा क्या कि सोसाइटी का जो पानी है वो डायरेक्ट आएगा इस टैंक के अंदर। इस टैंक में एक मोटर लगेगी जो आपके ओवरहेड वाटर टैंक, जो आपका ऊपर टैंक होगा जो हमने बनाया है पीछे की तरफ, वहाँ पे ये पानी को फिलअप करेगा और वहाँ से फिर आपके पूरे घर में जो है वो जो पानी है वो ट्रेवल करेगा। अक्सर औकात क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि यार हम यहाँ पे मोटर लगा के इधर से पाइपों को क्यों नहीं दे सकते। देखिए, उसके लिए आपको मोटर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर की टंकी होती है, ऊपर की टंकी को हाइट पे रखने का मकसद ये होता है कि एक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उस पोटेंशियल एनर्जी यानी हाइट की वजह से जो पानी है ना वो नीचे आता है। जितनी वो स्पीड से नीचे आता है, जितने प्रेशर से वो नीचे आता है, यानी जितनी हाइट होगी उतना हेड यानी उतना प्रेशर आपका ज़्यादा होगा, तो उतनी हाइट से वो टूटियों में कह लें कि ग्रेविटी फ्लो के थ्रू जो है ना वो फ्लो करता है। आपको कोई मोटर या कोई चीज़ लगानी नहीं पड़ती। अगर आप यहाँ पे यहाँ से पानी लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा यहाँ से डायरेक्ट घरों में पानी आए, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली मोटर चलानी पड़ेगी। जबकि क्या होगा कि अभी आप यहाँ पे मोटर लगाएंगे, ये मोटर ऊपर वाली टंकी को फिल कर देगी और उस टंकी उसके बाद आप मोटर बंद कर दें, ऑटोमेटिक मोटर होगी वो बंद हो जाएगी और वहाँ से पानी अपने प्रेशर के थ्रू जो आपके पाइपों में है वो ट्रेवल किया करेगा। अगेन मैं इसको बिल्कुल समराइज कर देता हूँ कि ये इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ पे सोसाइटी का पानी आपका आया करेगा,
वो कलेक्ट हुआ करेगा। यहाँ पे आपकी मोटर लगेगी जो उसको आपके ओवरहेड वाटर टैंक है उधर लेके जाएगी। ओवरहेड वाटर टैंक से आपका जो पानी है वो थ्रू पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू जो है आपके पाइप्स में, आपके आपकी टूटियों में जो है वो फ्लो किया करेगा। तो इसको बनाने का मकसद ये है कि विद टाइम जो सोसाइटी का पानी आता है, जो वासा या CDA के थ्रू हमारे सोसाइटीज़ में आता है, उनका प्रेशर या जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो हमारा शहरों में कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पीने के मसाइल और पानी का, पीने का पानी दस्तयाब नहीं होता। तो जब प्रेशर कम होगा जैसी बात है वो पानी आपकी ऊपर वाली टंकी को फिल नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम ये नीचे जो है ये टैंक बनाते हैं ताकि हम जो है हमारा ये फिल हो, यहाँ से मोटर लगे और ऊपर हमारा पानी जाए। इसके मतलब अगर मज़ीद आप टेक्निकल डिस्कशन या कुछ करना चाहते हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मेरे से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, तो इसके मतलब इसके डिज़ाइन के मतलब हम मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने एक ब्रीफली सारी जो चीज़ें हैं वो आपको आई थिंक इन्फॉर्म कर दी हैं। इस तरह ये वाटर टैंक है, वहाँ पे हमने जो है वो सेप्टिक टैंक बनाया। अगली जो वीडियो है वो हमारी सेप्टिक टैंक के मुतल्लिक होगी, जिसमें हम सेप्टिक टैंक को डिटेल में डिस्कस करेंगे।